काल प्रतिमा को देखकर आत्मा मंत्र मुग्ध हो जाती है और इसके आगे सर श्रद्धा से स्वतः ही झुक जाता है। पहाड़ तराश कर बनाई गई ये 57 फुट ऊंची प्रतिमा न केवल दुनिया की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है, बल्कि इसकी गिनती भारत के 7 अजूबों में भी होती है। यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से मन जुड़ सा जाता है। यहाँ आए दर्शनार्थियों को इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही शांति और उल्लास की अनुभूति होती है। स्थिरता और अनुशासन की प्रतीक भगवान बाहुबली आज के युग में अपनी शांति, त्याग और अहिंसा के संदेश के साथ और भी प्रासंगिक होते जाते हैं। भगवान बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रतापी सम्राट ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव अपना राज्य अपने बेटों में बांटकर तपस्या करने निकल जाते हैं। उनके बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में अपने छोटे भाई पोधनपुर के राजा बाहुबली के पास अपना दूत भेजते हैं। भाई के रूप में आदर करता हूँ पर अधीनता स्वीकार नहीं, युद्ध के लिए मैं भी सिद्ध हूँ, ये कहके बाहुबली दूत को लौटा देते हैं। फलस्वरूप दोनों की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं। अजीब विडंबना थी। शांति का संदेश देने वाले ऋषभदेव के दोनों पुत्र एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर थे जिसमें जन और धन की हानि निश्चित थी। इसका एक बहुत ही सुंदर उपाय निकाला गया। ये तय हुआ कि सैनिक युद्ध के बजाय बाहुबली और भरत के बीच 3 प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें दोनों के बीच धैर्य, संयम और शक्ति की परीक्षा होगी। ये प्रतियोगिताएं थी नेत्र युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। बाहुबली भरत को तीनों युद्ध में हरा देते हैं। हार के अपमान से कुपित भरत बाहुबली पर अपने चक्र रत्न से प्रहार करते हैं, किंतु चक्र रत्न बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा करके उनके पास ही स्थिर हो जाता है। भाई द्वारा भाई पर सत्ता प्राप्त करने के लिए किए गए इस वार से बाहुबली को विरक्ति हो जाती है। बाहुबली अपना राज्य त्याग कर वन में चले जाते हैं और 1 वर्ष कायोत्सर्ग आसन में खड़े रहकर कठिन तपस्या करते हैं। उनके पैरों में लताएं और सर भी पट जाते हैं। चींटियां उनके आसपास अपना घर बना लेती हैं, पर वो अपनी तपस्या में अधिक खड़े रहते हैं। मैं अपने बड़े भाई भरत को ये भूमि और राज्य सौंप चुका हूँ। मेरे दोनों पैरों के नीचे की भूमि भी मेरी नहीं भ्राता भरत की है जिस पर मैं खड़ा हूँ। ये आंतरिक भाव बाहुबली को था, इसलिए 1 वर्ष तक तपस्या करने पर भी बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भरत को इस भाव की जानकारी मिलने पर वे बाहुबली के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं कि ये भूमि न तो मेरी न तेरी, वसुधा बाहु की है। तब बाहुबली को तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति और ज्ञान से सिद्धि, ये 4 संदेश भगवान बाहुबल स्वामी ने दिया है। ये विश्व शांति के लिए शाश्वत संदेश है। अहंकार को त्याग करने से, मायाचार को त्याग करने से, लोभ को त्याग करने से शांति मिलती है। आज तक धार्मिक इतिहास में उनकी जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। इसे कठोर तपस्या, उनकी सहनशीलता, उनके उपवास, 365 दिन का अन्न जल त्याग करके कोई खड़े हो सकते क्या? आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण प्रांत के गंगवासी राजा के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय अपनी माता को भगवान बाहुबली की मूर्ति के दर्शन करवाने पोधनपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा में 1 रात्रि के लिए उन्हें कवलप्पू यानी आज के श्रवण बेलगोला में रुकना पड़ता है, जहां उनकी माता को एक स्वप्न आता है।
स्वप्न में कुष्मांडिनी देवी उनसे कहती हैं कि वहाँ उपस्थित छोटे पहाड़ चंद्रगिरी से बड़े पहाड़ विंध्यगिरी की तरफ बाण चलाने से बाहुबली के दर्शन होंगे। अगली सुबह ऐसा करने से चामुंडा राय को विंध्यगिरी पर्वत पर बाहुबली के विशाल रेखा चित्र के दर्शन होते हैं। वो शीघ्र ही महान शिल्पियों को बुलाकर विंध्यगिरी पर्वत पर एक बड़े पहाड़ को काटकर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं। कहते हैं इस प्रतिमा के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। चामुंडा राय को अपने इस कार्य पर गर्व होता है और वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक करवाते हैं। 1008 कलशों द्वारा जल, दूध, गन्ने का रस, चंदन आदि से उनका अभिषेक होता है। उनके अनेक प्रयत्नों के बाद भी कोई द्रव्य भगवान बाहुबली के हृदय के नीचे नहीं पहुंचता और अभिषेक पूर्ण नहीं हो पाता। तभी कुष्मांडिनी देवी एक वृद्ध महिला गुल्लिका अच्छी के रूप में अपने हाथ में एक छोटी सी लुटिया लेकर आती है। उनके अभिषेक करने पे बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक पूर्ण होता है और चामुंडा राय का अहंकार नष्ट होता है। गुल्लिका जी द्वारा डाली गई छोटी सी लुटिया से एक श्वेत सरोवर का निर्माण होता है। कन्नड़ में श्वेत सरोवर को बेलगोल कहा जाता है, जिसके कारण इस जगह का नाम बेलगोला पड़ा। जैन मुनि का प्राचीन नाम श्रवण है, तो आगे चल के इसे नया नाम मिला, श्रवण बेलगोला।